इस क्रॉप में हम आपके लिए सबसे पहले लेके आए आम दोस्तों ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयार किए गए हैं वीडियो को पूरी देखें और अंत तक देखें वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एग्रीकल्चर के सारे प्रतियोगी एग्जाम को देखते हुए सारे कम्पटेटिव एग्जाम की दृष्टि से ये नो, नोट नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं और वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें तो आइए दोस्तों शुरू शुरू करते हैं पहली क्रॉप ली है हमने सबसे पहले आम मैंगो तो आम से शुरुआत करते हैं वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका दोस्तों वानस्पतिक नाम क्या है आम का मैंजीफेरा इंडिका इसकी फैमिली जो कुल है वो एनाकार्डियसी है और एनिया कार्डियसी जो कुल होता है वो आम के अलावा काजू का भी कुल होता है एनाकार्डियसी दोस्तों ध्यान रखना जो एनाकार्डियसी फैमिली फेंडिये होती है वो आम के अलावा काजू की भी होती है आम के उत्पत्ति स्थल के बारे में बात करें तो आम का उत्पत्ति स्थल है भारत व बर्मा जिसे इंडो बर्मा भी कहा जाता है इसके गुणसूत्र संख्या जो हैं वो 2n बराबर चालीस होते हैं फल का प्रकार आम ड्रुप या अस्टिल प्रकार का होता है कभी कभी आम में फल का प्रकार पूछ लिया जाता है कि आम के फल का प्रकार कैसा है? तो इसे ड्रुप या अस्टिल भी बोलते हैं पुष्पक्रम का प्रकार इसमें साइमोस या पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है खाने योग्य भाग भाग की बात करें तो दोस्तों आम का जो खाने योग्य भाग होता है वो मध्यफल व्यक्ति होती है जिसको मीजोकार्प भी कहा जाता है मीजो कार्प मध्य फल व्य अब दोस्तों ये थी आम के बारे में सामान्य जानकारी अब आगे बात करते हैं आम को राष्ट्रीय फल फलों का राजा तथा बाथरूम फलों के नाम से जाना जाता है दोस्तों ये आम के उपनाम हैं ये भी पूछे जाते हैं आम को राष्ट्रीय फल फलों का राजा व बाथरूम फल के नाम से जाना जाता है भारत में आम का सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है दोस्तों भारत का भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है विश्व में आम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है विश्व में भारत प्रथम स्थान में है विश्व का लगभग पचास प्रतिशत आम भारत में उगाया जाता है नेक्स्ट भारत में आम मुख्यतः आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार कर्नाटक तमिलनाडु पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र आदि राज्यों में उगाया जाता है आम में सर्वाधिक मात्रा में आम का राजस्थान में आम का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र च्छ, व क्षेत्रफल बांसवाड़ा ज़िले में है आम में के फलों में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए आम में सर्वाधिक मात्रा में होता है सभी फलों में विटामिन ए आम में सर्वाधिक होता है जो अड़तालीस इंटरनेशनल यूनिट आई यू प्रति सौ ग्राम पाया जाता है आम के कच्चे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है तथा आम का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है नेक्स्ट आम में बहुव्रूढ़ता पाई जाती है जो सामान्यतः दक्षिणी भारत की किस्मों में पाई जाती है दोस्तों आम में बहुव्रूढ़ता पाई जाती है बहुव्रूढ़ता होती है एक बीज से एक से अधिक पौधों का विकास होना या एक बीज में एक से अधिक का पाया जाना जिसे पॉलीएम्प्रोनी के नाम से जाना जाता है यह आम के अलावा नींबू और जामुन में भी पाई जाती है बहुव्रूढ़ता तो जो दक्षिण भारत की किस्में उनमें ही ये बहुव्रूढ़ता सामान्यतः पाई जाती है आम में टी एस एस बीस डिग्री वृक्ष होता है जबकि जो आम की जेवियर किस्म है उसमें चौबीस डिग्री ब्रिक्स होता है आगे बात करते हैं भारत में आम क्षेत्रफल में प्रथम तथा उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है दोस्तों भारत में आम क्षेत्रफल में प्रथम लेकिन उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वो है केला उसके बाद आता है अपना आम आम उत्पादन में द्वितीय स्थान पर अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आम फर्स्ट स्थान पर है जबकि केला सेकेंड स्थान पर है उत्पादन सॉरी क्षेत्रफल में नेक्स्ट बात करते हैं आम में पर परागण घरेलू मक्खी के द्वारा संपन्न होता है आम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें क्रॉस पॉलिनेटेड हाउस हाउस फ्लाई के द्वारा होता है मास्का डोमेस्टिका आम उष्ण जलवायु का फल है जो उष्ण व उपोष्ण दोनों जलवायु में उगाया जा सकता है जिसकी वृद्धि के लिए चौबीस से अट्ठाईस डिग्री तापमान उपयुक्त होता है आम के लिए मृदा बलुई दोमट जिसका पी मान छः से सात तक हो उपयुक्त रहता है ये थे दोस्तों आम के बारे में कुछ सामान्य जानकारी अब आगे बात करते हैं आम में प्रवर्धन या प्रोपिगेशन दोस्तों तो आम में प्रवर्धन मुख्यतः विनियर के द्वारा होता है फर्स्ट है विनियर ग्राफ्टिंग जो उत्तर भारत में आम के प्रचलन की व्यावसायिक विधि है इसका उपयुक्त समय होता है मार्च से लेकर अगस्त तक इनार्चिंग है जो दक्षिणी भारत में अपनाई जाती है तीसरी है एपिकोटालिया स्टोन ग्राफ्टिंग तो नर्सरी में पौधे तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इसे महाराष्ट्र कोंकण व गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अपनाते हैं आम में पौध रोपण दूरी एल इन टू पी की बात करें तो आम में पौध रोपण दूरी दस इंटू दस रखते हैं जबकि आम की जो आम्रपाली किस्म है उसमें पौध रोपण दूरी ढाई इंटू दो पॉइंट पाँच इंटू दो पॉइंट पाँच रखते हैं दोस्तों जब आम का एक हेक्टेयर में दस इंटू दस मीटर की दूरी से पौधे लगाते हैं तो एक हेक्टेयर में सौ पौधे लगाए जाते हैं जबकि आम्रपाली जो किस्म है उसमें दूरी रखते हैं अपन दो इंटू दो पॉइंट पाँच इंटू दो पॉइंट पाँच तो इस विधि से आम में पौधे लगाए जाते हैं तब पौधों की संख्या लगती है सोलह प्रति हेक्टेयर सोलह पौधे प्रति हेक्टेयर दोस्तों ये थी प्रवर्धन अब बात करते हैं आम की किस्में तो दोस्तों आम की बहुत सारी किस्में हैं जो भारत में उगाई जाती हैं हम कुछ प्रचलित किस्मों की बात करेंगे जो मुख्यतः भारत में उगाई जाती हैं व्यवसाय की दृष्टि से वो लाभदायक हैं जैसे पहली है अल्फामसो जिसे हापुस या बादामी भी कहते हैं यह निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है दोस्तों ये आम बाहर भेजने के लिए निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त के किस्म है लेकिन इस किस्म की एक मुख्य प्रॉब्लम है मुख्य समस्या पाई जाती है स्पॉन्जी टिश्यू स्पॉन्जी तक ये रोके है इससे आम क्या है ख़राब होने लग जाता है अंदर से इसके टिश्यू बाहर से फल देखने पर सामान्य नज़र आता है लेकिन अंदर से फल सड़ने लग जाता है जिसके कारण इसके निर्यात में कमी आती है नेक्स्ट किस्म है आम्रपाली दोस्तों अभी ऊपर बताया था आम्रपाली किस्म को दो पॉइंट पाँच इंटू दो पॉइंट पाँच के दूरी पर लगाया जाता है इसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग अति सघन पौधरोपण भी किया जाता है प्रत्येक हेक्टेयर सोलह सौ सो पौधे लगते हैं यह आम की बौनी किस्म है तथा तो निरंतर किस्म है दोस्तों आपको पता होगा आम में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है एक वर्ष फलन देता है एक वर्ष फलन नहीं देता है लेकिन आम्रपाली जो किस्म है वो निरंतर फलन देती है नेक्स्ट किस्म है दशहरी दशहरी यह किस्म उत्तर भारत तथा राजस्थान की प्रचलित किस्म है दोस्तों उत्तर भारत में जैसे राजस्थान भी उत्तर भारत में ही आता है तो उत्तर भारत तथा राजस्थान की प्रचलित किस्म है यह डिब्बाबंदी के लिए भी सबसे उपयुक्त है और सघन रोपण के लिए भी इसे पाँच इंटू पाँच मीटर की दूरी पर उगा सकते हैं नेक्स्ट किस्म है बैगनपल्ली इसे आंध्र प्रदेश में व्यवसाय के स्तर पर उगाया जाता है नेक्स्ट है केसर इसे गुजरात में उगाया जाता है यह सबसे सुगंधित किस्म है जिसे प्रसंस्करण के लिए काम में लिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए गुजरात की प्रसिद्ध किस्म है नेक्स्ट है बॉम्बे ग्रीन सबसे अगेती है जिसे उत्तर प्रदेश में मालदा व दिल्ली में सिरोली के नाम से जाना जाता है इसमें सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है यह मैंगोमोल फ्रेशन रोक के प्रभावित होती है नेक्स्ट किस्म है चौसा दोस्तों जो चौसा किस्म है वो आम की सबसे मीठी किस्म है आम की सभी किस्मों में सबसे मीठी किस्म है जो कौन सी है चौसा तथा ये पछेती किस्म है इसके फल देरी से पकते हैं नेक्स्ट में नीलम यह वर्ष में दो बार फलन देती है तमिलनाडु में सर्वाधिक उगाई जाती है तमिलनाडु की प्रचलित किस्म है नेक्स्ट किस्म की बात करेंगे लंगड़ा यह सभी किस्मों में लड़वा लंगड़ा में सर्वाधिक ओवेलिंगी पुष्प पाए जाते हैं उनहत्तर पॉइंट आठ परसेंट तक इसमें ओवेलिंगी पुष्प होते हैं लेकिन फल व फूल झड़ने की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है नेक्स्ट किस्में लाल सिंदूरी यह चूड़ी फपूत रोग के प्रतिरोधी है बेंगलोरा दक्षिण भारत की किस्म है जिसे तोतापुरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ये तोतापुरी आई यू पी एस ए एफ दो हज़ार अठारह में आया हुआ था तोतापुरी आम की किस्म किस्म को तोतापुरी के नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन दो हज़ार अठारह में आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है आप भी ध्यान रखें आगे बढ़ते हैं दोस्तों आम की संकर किस्में दोस्तों एग्रीकल्चर की कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो आम के संकरण जरूर पूछा जाता है तो आइए देखते हैं आम की मल्लिका किस्म है जिसका संकरण है नीलम इंटू दशहरी से संकरण करा के इसको विकसित किया गया है नीलम इंटू दशहरी इसको शॉर्ट टिक में याद करेंगे तो एन डी एम एन डी एम एन डी एम, एन एम का मतलब एन एन से नीलम डी से दशहरी और एम से मल्लिका एन डी एम नीलम दशहरी और मल्लिका तो इससे ध्यान रखेंगे नीलम और दशहरी के क्रॉस से मल्लिका किस्म विकसित की गई है मल्लिका में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है नेक्स्ट किस्म है आम्रपाली दोस्तों आम्रपाली में अभी बताया था ढाई इंटू ढाई दूरी पर लगाया जाता है सोलह सौ सो पौधे प्रति हेक्टेयर लगते हैं इसका क्रॉस है जो है दशहरी इंटू नीलम डी एन ए डी से दशहरी एम से नीलम ए से आम्रपाली तो दोस्तों इसी प्रकार ये सारी किस्में दी गई हैं लेकिन मुख्य किस्म थी यही थी मल्लिका और आम्रपालू एक किस्म और है सिंधु सिंधु किस्म इसे रत्ना और अल्फाम्सों के संकरण से विकसित किया गया है यह बीज रहित किस्म गूदा छियानवे परसेंट तक पाया जाता है दोस्तों आम में पूछी जाती है आम की बीज रहित किस्म कौन सी है सीडलेस वेराइटी तो आम की बीज रहित किस्म कौन सी है सिंधु ध्यान रखना दोस्तों जो सिंधु वेरायटी है वो बीज रहित किस्म है इसका क्रॉस है रत्ना इंटू अल्फाम्सो आर इसे शॉर्ट में हम आर ए एस भी बोल सकते हैं आर से रत्ना ए से अल्फांसो एस से सिंधु दोस्तों अन्य किस्में आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं जैसे साई सुगंधा तोतापुरी और केसर के संकट से विकसित है पूसा अरणिमा ये आई आर आई द्वारा विकसित है रत्ना किस्म है जो नीलम और अल्फांसो के संकट से विकसित है इस टिश्यू के प्रतिरोधी है ऐसे ही अन्य किस्में अर्का अनमोल अर्का अरुणा अर्का पुनीत और ये अंबिका आप वीडियो को रोक कर भी इन किस्मों को देख सकते हैं दोस्तों साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाना नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जानकारी है निरंजन और मधुलिका और एम ओ सी एच आम की बेमौसमी किस्में है बेमौसमी यानी ऑफ सीजन आम की ऑफ ऑपसीजन किस्में है कौन कौन सी निरंजन मधुलिका एम ओ सी एच फर्स्ट ये आम की ऑफ ऑपसीजन किस्में है नेक्स्ट जेवियर किस्म टी एस एस चौबीस पॉइंट आठ पाया जाता है दोस्तों आम की अन्य सामान्य किस्मों में टी एस एस बीस डिग्री पाया जाता है बीस डिग्री ब्रिक्स लेकिन जेवियर जो किस्म है उसमें टी एस एस चौबीस पॉइंट आठ डिग्री वृक्ष पाया जाता है रोज का जो किस्म है वो उत्परवर्तन द्वारा विकसित किस्म है दोस्तों ये भी पूछा जाता है आम की उत्पर्वन द्वारा विकसित किस्म है तो ध्यान रखना रोज का नेक्स्ट रूमानी सेब आकृति की किस्म है जिसका प्रयोग दशहरी में बोनेपन के लिए किया जाता है दोस्तों आम की जो रूमानी किस्म है उसकी आकृति सेब के समान होती है इसका प्रयोग दशहरी दशहरी में बोनेपन के लिए किया जाता है नेक्स्ट आम की उत्तर भारत की किस्म एकांतर फलन वाली मोनो एम्ब्रोनी व स्व अनिश्चितता वाली होती है जो उत्तर भारत की किस्में होती हैं वो एकांतर फलन और स्व सेल्फ इनकम्प्लीट वाली होती हैं नेक्स्ट है दक्षिण भारत की किस्में होती हैं जो बहुभ्रूढ़ता वाली और निरंतर फलन देने वाली होती हैं दोस्तों कुछ बहुभ्रूढ़ता वाली किस्मों की बात करें तो इसमें है मलगोआ चंद्रकरण बेल्लारी गोवा ओलर और क्रूक्कन तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है ये आम की बाकी है मुख्य कीट रोग और इसके आम के का काय की विकार इनके बारे में हम कल बात करेंगे आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों इसके नोट्स बनाते जाइए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी थैंक यू दोस्तों